नमस्कार, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जानेंगे। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। वही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिमी दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए। शिक्षकों को हर सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 के तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमति में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। उनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन में से ही ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई। राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली। उनसे उनके 5 बेटे व एक बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है जो भारत के महान इतिहासकारक बने। राधाकृष्णन जिनकी पत्नी की मौत 1856 में हो गई थी, भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी विवेश लक्ष्मण इन्हीं खानदान से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का बचपन तिरुमणि गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था में एडमिशन दिलाया, जहां 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेल्लूर से कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरुआत से ही एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपनी शिक्षा के दौरान काफी सारी स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंटी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक भी वह बन गए। शिक्षा को राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी और विद्वान बने रहे। जिस कॉलेज से उन्होंने एमए किया था वही कॉलेज के उन्हें उपकुलपति बना दिया गया। किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने वह पद छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के तौर पर अपनी सेवा शुरू की। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखते रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उनके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। राजनैतिक आगमन। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद के सभी लोग उनके कार्यों और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते। अपने सफल एकेडमिक कैरियर के बाद उन्होंने राजनीतिक कैरियर में भी अपना दमखम दिखाया था। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वह देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही
वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए और चीन के साथ भारत की हार हुई, वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। इनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम बल्कि सम्मान ज्यादा था। डॉक्टर राधाकृष्णन को मिले सम्मान व अवार्ड। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1954 को भारत रत्न से नवाजा गया। 1962 में राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा हुई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। इंग्लैंड सरकार द्वारा उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके मृत्यु के पश्चात 1975 में अमरीकी सरकार द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का समग्र जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये जीवनी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राधा कृष्णन के बारे में अगर आप और कुछ जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।